हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 127 को लेकर के है। सेक्शन 127 पावर टू ट्रांसफर केसेस की बात करता है। जनरली ये सेक्शन सर्च केसेस के अंदर डिपार्टमेंट काफी इसका यूज करता है। जब किसी एसएससी के यहां सर्च होती है तो जिसकी सर्च होती है और जहां पे उस एसएससी की असेसमेंट की जाती है, डिपार्टमेंट की ये कोशिश रहती है कि उस सर्च से कनेक्टेड और जो असेसीज हैं उनका केस भी उसी ऑफिसर के पास ट्रांसफर करा लिया जाए जो ऑफिसर सर्च के केसेस को डील कर रहा है। इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक डिपार्टमेंट को ये नुकसान भी ये होता है कि जो ऑफिसर सर्च के केसेस को देख रहा होता है उसके पास ऑलरेडी इतना बर्डन होता है कि उसके पास जो नंबर ऑफ द केसेस होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो उन्हीं के अंदर क्वालिटी ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर नहीं ला पाता। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ द केसेस करने की वजह से और दूसरे असेसीज का उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। ये ट्रांसफर सेक्शन 127 के मुताबिक की जाती है। सेक्शन 127 की अपनी एक मर्यादा है। वही चीज प्रेजेंट केस में डिस्कस हुई। केस का नाम है कमल वर्धमान गलानी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 460 आईटीआर पेज नंबर 380 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 अप्रैल 2023 को आया। प्रेजेंट केस में जो असेसी था उसका केस डिप्टी कमिश्नर मुंबई से डिप्टी कमिश्नर जयपुर के पास ट्रांसफर किया गया। जब ये केस ट्रांसफर किया गया तो एसएससी ने इस ट्रांसफर के अंगेंस्ट अपने ऑब्जेक्शंस को रेज किया और जब ऑर्डर किया गया ट्रांसफर के लिए सेक्शन 127 के अंदर एसएससी की जुरिस्डिक्शन को मुंबई से राजस्थान में, तो एसएससी के ऑब्जेक्शंस को डील नहीं किया गया। एसएससी ने इस ट्रांसफर के अंगेंस्ट बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। बॉम्बे हाई कोर्ट का उस रिट पिटीशन के फैसले में यह कहना था कि जो सेक्शन 127 है उसके दो हिस्से हैं। पहला ये कि जब एसएससी की जुरिस्डिक्शन एक प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के नीचे यदि दो ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स के बीच में यदि यह ट्रांसफर की जाती है, कहने का मतलब यह है कि सपोज करो कोई एसएससी ए है और उसकी ट्रांसफर उसके ही प्रिंसिपल कमिश्नर के दूसरे ऑफिसर के पास की जाती है, तो उसके लिए भी रीजंस रिकॉर्ड करना और एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाना चाहिए जहां तक कि यह संभव हो। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जो एसएससी का केस ट्रांसफर जो होना है वो एक प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से दूसरे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाना हो, दूसरे असेसिंग ऑफिसर के पास जाना हो जो कि दूसरे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे आता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर रीजंस रिकॉर्ड करना और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना अनिवार्य है। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह कहना था कि जब ऐसा केस ट्रांसफर किया जाता है तो जिस ऑफिसर के पास केस ट्रांसफर होना होता है वो दूसरे ऑफिसर के प्रिंसिपल कमिश्नर को लेटर लिखता है और ऐसी परिस्थिति के अंदर जो दोनों प्रिंसिपल कमिश्नर होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हां ये केस फिट है ट्रांसफर करने के लिए। और जहां पर जब रीजंस रिकॉर्ड करके भेजे जाते हैं और ये बताया जाता है कि ये रिकॉर्ड जो है, ये जो सर्च हुई है इसके अंदर दूसरे एसएससी का जिसका केस ट्रांसफर होना है उससे ये रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो ट्रांसफर करने से पहले उस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास भेजी जानी चाहिए और वो इस बात से सहमत होने चाहिए कि हां ये केस ट्रांसफर होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि खाली एक रिक्वेस्ट आई और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया बिना किसी रीजंस को रिकॉर्ड किए या बिना ये देखे कि ये एसएससी उस सर्च केस से रिलेटेड है भी या नहीं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सेक्शन 127 में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का कंसेप्ट है वो बेकार हो जाता है प्रेजेंट केस के अंदर, क्योंकि ये रीजंस जो रिकॉर्ड किए गए थे वो आर्बिट्रेरी रीजंस थे। कहीं पे भी ये दर्शाया नहीं गया था कि जो एसएससी है जिसका केस ट्रांसफर होना है
वो उस एसएससी से रिलेटेड है जिसके यहां सर्च हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो रीजंस रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है और जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है वो होलो स्लोगन्स नहीं है, उनके बीच में एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है 17 सितंबर 2008 का जो कि ये कहता है कि क्लियरली रीजंस रिकॉर्ड किए जाने चाहिए और रिलेशन स्थापित होना चाहिए जिस एसएससी के यहां सर्च हुई है और जिस एसएससी का केस ट्रांसफर होना है, क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई थी और जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए थे वो वेग थे, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेक्शन 127 के ट्रांसफर ऑर्डर को नलीफाई कर दिया और डिपार्टमेंट को ये कहा कि यदि डिपार्टमेंट ठीक ये समझता है कि ये केस ट्रांसफर होना चाहिए तो प्रॉपर तरीके से रीजंस रिकॉर्ड करके दोबारे 127 के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए डिपार्टमेंट को सेक्शन 127 की जो मर्यादा है उसका पालन करना होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है कमल वर्धमान गलानी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 460 ITR पेज नंबर 380 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 अप्रैल 2023 को आया।